हेलो एवरीवन, मैं नामिका एलियस में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने नंदवंश के बारे में जाना था और ये हम सब जानते हैं कि नंदवंश के बाद मगध की सत्ता पर मौर्य वंश आया। अब सत्ता नंदवंश से मौर्यों के हाथ में कैसे स्थानांतरित होती है, इसे जानने के लिए हमें संपूर्ण घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को जानना होगा, जो है बैटल ऑफ हाइडेस्पीज यानी कि वितस्ता का युद्ध। जी हाँ, जिसे हम झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसके पहले हमें भारत पर होने वाले बाकी आक्रमण, जो यूनानी आक्रमण से पहले हुए थे, उन्हें देखना होगा। तो शुरू करते हैं हम पर्शियन आक्रमण, जो यूनानी आक्रमण से पहले हुआ था, उसके देखते हुए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस द्वितीय, जिसे कुरुश भी कहा गया, इसने ईरान में हखमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। साइरस द्वितीय के साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत को स्पर्श करती थी, लेकिन साइरस ने किन किन भारतीय क्षेत्रों को जीता था, इसके कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सिकंदर के जल सेनाध्यक्ष नियारकस के विवरण से हमें ये ज्ञात होता है कि साइरस ने जेड्रोसिया के रेगिस्तानों से होते हुए भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, किंतु उसे मार्ग में विनाशकारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसकी संपूर्ण सेना रास्ते में ही नष्ट भ्रष्ट हो गई और केवल 7 सैनिकों के साथ उसे अपनी जान बचाकर वापस भागना पड़ा। नियारकस और मेगास्थनीस के अनुसार साइरस ने कभी भी भारत पर आक्रमण ही नहीं किया था, परंतु इन यूनानी लेखकों के इन वक्तव्यों पर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाता है। संभव है कि सिकंदर के समकालीन इन लेखकों ने सिकंदर की महिमा मंडन के उद्देश्य से साइरस की सफलताओं की उपेक्षा की हो। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि यूनानी लेखक सिंधु नदी को भारत की सीमा मानते हैं, तो संभावना ये है कि साइरस ने सिंधु नदी के पश्चिमी भाग को जीता हो। ज़ेनोफोन द्वारा लिखित साइरस के जीवनी के तथ्यों से ये निष्कर्ष निकलता है कि काबुल घाटी पर साइरस का अधिकार था, साथ ही ईरान और भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों को भी साइरस ने जीत लिया था। एडवर्ड मेयर के अनुसार साइरस ने हिंदुकुश तथा काबुल की घाटी, विशेष रूप से गंधार की भारतीय जनजातियों को जीता था और दारा स्वयं भारत आया था। दारा प्रथम जिसका कार्यकाल 522 से 486 ईसा पूर्व का रहा है, इसने जो अपने शासनकाल के 3 अभिलेख बनवाए थे, बेस्तून अभिलेख, पर्शिपोलिस और नक्शे रुस्तम। इन अभिलेखों से भारत और पारसिक संबंधों के बारे में पता चलता है। पारसिपोलिक और नक्शे रुस्तम अभिलेखों से हिंदू का जिक्र हुआ है, जो उसका एक प्रांत था। साथ ही बेहिस्तून के अभिलेख में उसके 23 प्रांतों का जिक्र हुआ है। हाँ, इन 23 प्रांतों में कहीं भी भारत का नाम नहीं था। इनमें सतगु और गदर के नाम मिलते हैं। स्पष्ट है कि सतगु, गदर और हिंदू दारा के साम्राज्य के हिस्सा थे। हिंदू साम्राज्य की सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित था। अब सतगु का तात्पर्य सप्त सैंधव प्रदेश से, गांधार गदर गांधार प्रदेश और हिंदू निचली सिंधु घाटी से तात्पर्य है। इन अभिलेखों की पुष्टि यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स के विवरण से भी होती है। इस विवरण के अनुसार स्वयं दारा ने सिंधु नदी की निचली घाटी, जहां वो समुद्र में गिरती है, को जीता था। ज़रक्सीज, जिसे छयाश भी कहा गया है, इसका काल 486 से 465 ईसा पूर्व रहा है और ये दारा प्रथम का पुत्र था। उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों के एक विवरण के अनुसार उसने यूनान के विरुद्ध युद्ध में भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी से सहायता ली थी। ये सैनिक गांधार और सिंध प्रदेश से आए थे तथा अत्यंत वीरता से इन्होंने युद्ध किया था और पर्याप्त यश का अर्जन किया था। हेरोडोट्स ने भारतीय सैनिकों की वेशभूषा का वर्णन करते हुए लिखा है
कि इन सैनिकों के वस्त्र सूती थे, साथ ही इनके कंधों पर धनुष और बांस की कमानियां थीं तथा तीर लटक रहे थे। इनके तीरों की नोक लोहे से मढ़ी हुई थी। इस युद्ध में यूनानियों की जीत हुई थी और 486 ईसा पूर्व में जेरोक्सीस अपने ही किसी अंगरक्षक द्वारा मार दिया गया था। जेरोक्सीस के बाद क्रमशः अर्तजेरक्सीस प्रथम और द्वितीय शासक बने थे। अर्तजेरक्सीस के राजवैद्य टेसियस के अनुसार उसने भारतीय राजाओं द्वारा भेजे गए उपहारों को स्वयं देखा था, अर्थात अर्तजेरक्सीस ने इस साम्राज्य का भारतीय क्षेत्रों पर आधिपत्य सुरक्षित रखा था। पारसिक साम्राज्य का अंतिम शासक था दारा तृतीय। एरियन कहते हैं कि दारा तृतीय के आवाहन पर पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के सैनिकों ने सिकंदर के विरुद्ध अरबेला के युद्ध में उसकी मदद की थी। हालांकि मजूमदार के अनुसार अरबेला के युद्ध में दारा तृतीय ने भारतीय सैनिक भाड़े पे लिए थे। इस युद्ध में सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित कर दिया था और इसी पराजय के साथ भारतीय क्षेत्रों से पारसी सत्ता का अंत हुआ था। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे बैटल ऑफ हाइडेस्पीस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम सिकंदर के अभियानों को, उसके विजय अभियानों के बारे में जानेंगे, साथ ही इसके समानांतर काल में मगध में चल रहे घटनाक्रम के बारे में भी जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।